सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे भाई। तो मॉर्निंग के बज चुके हैं 10। तो दोस्तों गर्मी का पूछो मत भाई, गर्मी हो गई है चालू। टी शर्टें आने लग गया, वो तो पहनना बंद ही कर दिया। जैकेट दिखो तो गर्मी इतनी पड़ने लग गई। अब तो अप्रैल आ चुका है भाई, गर्मी कब पड़ेगी। वो होली भी जा चुकी है, होली के पास पास तो गर्मी हो ही जाती है। आपके पास तो होली भी नहीं खेल पाई इतनी, तो मतलब ठंड थी थोड़ी, तो इसलिए बहुत कम खेली। जगह पर कई जगह पर खेली भी नहीं, बहुत कम खेली है। तो मैं तो बहुत कम खेला ही नहीं दोस्तों यार, लगभग तो मैं तो दोस्तों चलो फिर दिखाते हैं आपको वीडियो में, पूरा एंड तक बने रहना, जुड़े रहना। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं।
ये देखो भेड़ बकरियाँ चरने के लिए आ गई। गेहूं की खेती है भाई, सूख चुकी है, मतलब गेहूं पक चुका अच्छे से। तो दोस्तों पीछे देख सकते हो गेहूँ है भाई, पक चुका अच्छे से। हवा देख सकते हो अब कितनी तेज़ चल रही है भाई, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। तो गेहूँ बिल्कुल पक चुका है, तो कटाई का मौसम आ चुका है इसका, काटने वाले हैं इसको थोड़े दिनों बाद। तो चलते आते और दिखाते हैं आपको, बस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना, जुड़े रहना। तो चलते हवा ठंडी हवा चल रही है, कितनी तेज़ हवा चल रही है, पत्ते देखो कितनी आवाज़ आ गई, आवाज़ सुन सकते हो आप कितनी तेज़ आवाज़ है। नदी का पानी थोड़ा साफ़ सफाई का काम चल रहा है, तो कम है पानी, नहर बोलते नदी, थोड़ा पानी कम है, हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, थोड़ा साफ़ सफाई का काम है। तो आगे चल के और दिखाता हूँ आपको, आगे साफ़ सफाई का काम चल रहा है शायद, कभी थोड़ा पानी कम है, आधी आधी नदी है, नहीं तो पुल होती नदी है। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। खेतों के नज़ारे, एक भाई तो सोया हुआ पेड़ के नीचे आराम से। पानी का बहाव देख सकते कितना कम है भाई, आधी नदी है। और दोस्तों इतनी गंदगी है भाई, अभी तो मतलब साफ़ सफाई का काम चल रहा है ना, तो थोड़ा आप पास में जाकर दिखाता हूँ कितनी गंदगी है, दिखाता हूँ। ये देखो भाई कितनी गंदगी है, देख सकते हो दो जानवर ही मरे हुए हैं इसके अंदर, मतलब भैंस का छोटा बच्चा ही मरा हुआ है, दो सूअर मरे हैं, एक कुत्ता भी है। तो भाई देख लो कितनी गंदगी है, बदबू हो गई है भाई, कितनी गंदगी है देख सकते हो, दो जानवर भी मरे हैं इसके अंदर, दिखाता हूँ। ये देखो पेट पेट दिख रहा है ना,
दो कुत्ते मरे हैं, एक भैंस का छोटा बच्चा मरा हुआ है। बदबू इतनी हो रही, स्मेल इतनी हो रही है, देख सकते हो कितना गंद है। पानी नदी है पूरी लंबी, पूरी क्या नाम है फुल होती है, मतलब आधी कर रखी है, तो इसकी वजह से साफ़ सफाई का काम चल रहा है, थोड़ी सफाई करेंगे शायद, तो इसकी वजह से पानी रुक रखा है। सप्लाई घर में सप्लाई भी एक बार पानी आ रहा है, देख सकते हो भाई साहब। देखो दोस्तों इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हो ये है कम से कम 732 फुट की है नीचे भाई गहराई इसकी, बहुत गहराई है। थोड़ा ऊपर गंदा नीचे जूम कर देना, मछलियाँ चुनटियाँ देख रहे हो आपको कितनी सारी मछलियाँ है ना दोस्तों, छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी हैं। दोस्तों थोड़ा इसमें तो पानी है आधा, ये आगे दिखाता हूँ आपको, इसमें तो बिल्कुल खाली पड़ा है पानी भाई। ये तो बड़ी नदी है भाई, ये छोटी नदी है, ये देखो इसमें तो बिल्कुल खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है, देख सकते हो ये देखो बिल्कुल खाली पड़ा है। नदी इतनी खाली जो इतनी बड़ी डूंगी वही आधी है, तो ये पानी कहाँ कहाँ आएगा इसमें। थोड़ा मैं आगे से दिखा देता हूँ, ये पीछे की तरफ दिखाया मैंने, आगे की तरफ दिखा देता हूँ, आगे तो साफ होता बिल्कुल पानी। ये भी ट्राई करते देखते आगे, मछलियाँ भी आई हुई हैं तो आगे तो साफ है पानी थोड़ा। नदी का बिल्कुल सूख सूख सूखी है, देख रहे छोटी देख सूखा हुआ है ना, इधर तो थोड़ा पानी है। बड़ी तीन तीन नदियाँ बहती है, पहली साइड आपको मैंने दिखाई थी, ये बड़ी नदी है, ये छोटी नदी है भाई, ये देखो बिल्कुल सूख चुका है। पानी बड़ी में इतना कम है तो सप्लाई छोटी में कहाँ आएगा, पानी आएगा नहीं बिल्कुल भी। साफ सफाई का चल रहा है ना, देखो कैसे हिल रहा है गेहूँ, ये गेहूँ अभी पक चुका अच्छे से। हवा देखो भाई कितनी लहराहट, वाह क्या सीन है यार। अभी तो हमारा इंडिया जिंदाबाद है, हरियाणा जिंदाबाद है, इन्हीं के लिए चीज़ों के लिए है, जो हमारा किसान गेहूँ के लिए क्या क्या करता है, हमारे खाना खिलाने के लिए क्या क्या करता है देख लो भाई। तभी तो जय जवान जय किसान का नारा दिया है, अपना जवान बॉर्डर पे रक्षा करता है, अभी तक किसान हमारे पेट भरता है देख लो भाई। ये होते हैं दोस्तों उपले बोलते हैं हिंदी भाषा में, तो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं उपले। ये गाय भैंस के गोबर से बनते हैं भाई, मतलब नेचुरल चीज़ है यही, मतलब चूल्हा चूल्हा जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब तो गैस सिलेंडर आ गए हैं, और चूल्हे में पहले पुराने ज़माने में ये करते थे, अब करते करने वाले तो अभी भी करते हैं गाँव में, अभी ये भी मिलेगा। ये तो इसको पहले गिन करते थे लोग, अब अमेजोन पे पता कितने मिलते हैं, 500 रुपये के 6 मिलते हैं, अमेजोन पे भी बिकने लग गए हैं ऑनलाइन देख लो। ये मना का घर बना रखा है, इसमें भी यही चीज़ है गोश से, मतलब पूरा बड़ा बना रखा है, ये काफ़ी बना रखा, काफ़ी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इधर भी गाय भैंस को, ये मतलब इसकी जो बना रखा घर बना रखा, पूरे पहाड़ जैसे बना रखा है, इसके अंदर भी यही है। दोस्तों गर्मी मत पूछो भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा भाई, धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी गर्मी से बच के रहना भाई दोस्तों। पहले तो ठंड थी, अब थोड़ी गर्मी है भाई, थोड़ी गर्मी से बच के रहना। हवा बहुत चल रही है भाई, ठंडी ठंडी सी भी, पेड़ों के नीचे वाह क्या मज़ा आ रहा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो ये नदी में मतलब साफ़ सफाई का काम चल रहा है भाई दोस्तों,
हमारे घर में दो टाइम पानी आता था सप्लाई का, तो अभी एक दिन एक बार ही आने लग गया, मतलब दो तीन दिन हो गए सफाई का काम चल रहा है। तो अब मैंने आपको दिखाया कितना गंदा है दोस्तों, दो तीन लाशें भी आई है, तो कुत्तों की है, दो भेड़ों की है और एक उसकी भैंस के बच्चे की है भाई, बदबू हो गई बहुत ज़्यादा। तो साफ़ सफाई चल रही है, इतना गंद है भाई पूछो मत भाई, वहाँ पर दो मिनट भी खड़ा नहीं हो जाता, तो इसलिए वो सप्लाई बंद कर रखे पानी की, तो एक टाइम ही पानी आता है। तो दोस्तों देखते हैं कितने दिन प्रोसेस चलता है इसका, एक हफ्ता चलेगा ही कम से कम। तो फिर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। फिर अगली वीडियो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नवी जगह के साथ, तो फिर इजाज़त दो, बाय बाय।